बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया अर्थवर्म एंड कॉकरोच। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक साथ समझाने का जो मकसद है वो यही है कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ जाए, क्योंकि इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में क्या फर्क होता है। अक्सर पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्लेनेरिया हो गया, अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। सिंपल इनमें सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, कोई कंप्लेक्स सिस्टम नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया बेसिकली बिलोंग करता है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज से। अब प्लेनेरिया जो होता है ये साइंस के मुताबिक जो पहले पहले जो जानदार थे उनमें शुमार किया जाता है। इसी वजह से इसमें का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बहुत ही जो ओल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है और वेरी सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अब प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर देखें तो एक सिंगल सी लंबी सी एक ट्यूब, एक नाली होती है जो सारे का सारा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसी के ऊपर मुनहसर होता है। कोई कंप्लेक्स नहीं होता, एक सिंगल सी ट्यूब एक नाली है और एक्सक्रीशन है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा है जो वो इसी नाली के जरिए ट्यूब के जरिए बॉडी से बाहर जा रहा है। तो ये जो नाली होते हैं अगर इसको देखें तो इसका जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं ट्यूबलर सिस्टम कहते हैं। और ये जो ट्यूबलर सिस्टम होता है, ये जो हमारे पास ट्यूबलर सिस्टम होता है, इस ट्यूबलर सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडियम। अगर एक सिंगल होगा तो हम इसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहेंगे, अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया कहेंगे। अब अगर इसको हम यहां पे ड्रा करें तो एक प्रोटोनेफ्रीडियम हमारे पास, इसको अगर हम ड्रा करें इधर तो ये एक ही लंबा ट्यूब होता है, एक किनारी होती है। इसको अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है कि ये एक ट्यूब हमारे पास हो गया और इस ट्यूब में जो इंपॉर्टेंट है इसका कंपोनेंट है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है वो इसका होता है फ्लेम सेल होता है। ये इसका होता है फ्लेम सेल। अब इसको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, इसकी रीजन ये होती है कि यहां पे न्यूक्लियस इसका होता है और न्यूक्लियस के साथ यहां पे सीलिया मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं, सीलिया, छोटे छोटे बालनुमा नाजुक से स्ट्रक्चर होते हैं। नाजुक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया कहते हैं। अब फ्लेम सेल इसको क्यों कहते हैं, फ्लेम सेल इस वजह से कहते हैं कि जब सीलिया बीट करते हैं, जैसे सीलिया बीट करते हैं, बीट की वजह से इसकी जो शेप हो जाती है वो एक फ्लेम कहते हैं, मोमबत्ती का जो शोला होता है उसको कहते हैं। फ्लैग जब हवा में वो मूव करते हैं ना तो उस तरह से, तो जब ये सीलिया मूव करते हैं तो मूव करने की वजह इसकी जो शेप है वो एक शोले की तरह हो जाती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल कहते हैं। तो ये तुम्हारे पास इसका हो गया सीलिया हो गया, सीलिया मूव करते हैं तो इस वजह से ये इसकी शक्ल जो है ना वो फ्लेम की तरह होती है। मैकेनिज्म किस तरह से होता है, किस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा इसमें जो मौजूद होता है, यूरिया है, वाटर है, वो किस तरह से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। अब इसका जो अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं WP, मतलब ये कि वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है और साल्ट मौजूद होता है। तो यहां पे इस केस कोज में यहां पे इसका वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है। अब यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी से बाहर नहीं है, बॉडी के अंदर मौजूद है, ये प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के बाहर मौजूद है। अब जैसे सीलिया मूव करेंगे, जैसे सीलिया मूव करेंगे, बीट करेंगे, तो ये इसको खींचेंगे अपनी तरफ,
तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें यूरिया है, साल्ट है, वाटर है, वो इधर आ जाएंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है फ्लेम सेल का कि ये आगे फिर जो है ये इस तरह से, ये इस तरह से हो जाती है। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे हमारे पास सिलिया मूव करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। अब ये जो वैस प्रोडक्ट है ये आ जाएगा, ये हमारे पास जो पोर होता है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर या नेफ्रिडो पोर, एक्सक्रीटरी पोर या नेफ्रिडो पोर कहते हैं। अब सीलिया ने बीट किया, सीलिया ने जैसे बीट किया तो वेस प्रोडक्ट ने वो इसमें आ गया, इस नाली में आ गया, फ्लेम सेल में आ गया। तो फ्लेम सेल से फिर ये एक्सक्रीटरी पोर नेफ्रिडो पोर के जरिए बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। अब ये एक्सक्रीटरी पोर कहां पे होते हैं? प्लेनेरिया का जो सारा स्ट्रक्चर होता है यहां पे एक्सक्रीटरी पोर होते हैं यहां पे। तो तमाम जो स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है। अब एक नेफ्रिडो पोर नहीं होता, जो वेस्ट प्रोडक्ट को कचरे को खारिज करने के लिए बहुत सारे यहां पे नेफ्रिडो पोर मौजूद होते हैं। इस नेफ्रिडोपोर से भी कचरा निकलता है, इस नेफ्रिडोपोर से भी कचरा निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है। जितने भी नेफ्रिडोपोर सुराख मौजूद होते हैं उससे जो कचरा है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये तो होता है प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन। अब यहां पे एक चीज है, यहां पे जो सिस्टम पाया जाता है ये हम साथ साथ इसका डिफरेंस देखेंगे। यहां पर जो सिस्टम पाया जाता है इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अब यहां पे हमने इसके तीन जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसके स्टेप्स देखे हैं। पहला स्टेप ये है कि प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेनेरिया में पाया जाता है। दूसरी बात ये हो गई कि ट्यूबलर सिस्टम होता है, ये ट्यूबलर सिस्टम है ना, हमने कि ये क्या है ट्यूब की तरह एक सिंगल लंबी सी ट्यूब है। और तीसरी बात इसकी ये हो गई कि इसकी एक ही ओपनिंग और एक्सटीरियर जो ओपनिंग है ये मौजूद है, इंटरनल ओपनिंग नहीं है। यहां तो सीलिया बीट करता है उसके जरिए जाता है। तो तीन इनमें फर्क हो गया, प्लेनेरिया में पाया जाता है, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है और ट्यूबलर सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म में, तो साथ साथ इसका कंपेरिजन करते जाते हैं। जो प्लेनेरिया है इसमें एक ही सिंगल ट्यूब पाई जाती है और अर्थवर्म का जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, अर्थवर्म जो होता है ना इसमें होता है, रेल गाड़ी के डब्बे नहीं होते, रेल गाड़ी इस तरह का होता है, ये एक डब्बा हो गया, ये डब्बा, और हर जो डब्बा होता है उसका अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जैसे रेल गाड़ी होती है ना, रेल गाड़ी, हर जो डब्बा होता है इसका अपना अपना वॉशरूम होता है। तो यहां भी ऐसे होता है, हर डब्बे का, इस डब्बे का अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, हर डब्बे का अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एक बात यह हो गया, ये ट्यूब की तरह होता है, सिंगल होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो जो बॉक्स होते हैं, और हर बॉक्स का क्या होता है, अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और यहां पर जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस ट्यूबलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। ये थोड़ा सा प्रोटो की निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस होते, ये भी ट्यूबलर होते। एक बात तो ये तो सेम हो गया कि ये भी ट्यूबलर था और ये भी मेरे पास क्या होता है, ट्यूबलर होता है। अब यहां पे स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे इधर ड्रा किया है इसका, ये एक बॉक्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सेगमेंट, सेगमेंट इसको कहते हैं, एक सेगमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये मेटानेफ्रिडिया है, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इस जो मेटानेफ्रिडिया है इसमें दो ओपनिंग हमारे पास होती है। अब ये एक ओपनिंग हो गई, अब ये जो ओपनिंग होती है इस तरह से, ये जो ओपनिंग होती है ये फनल शेप होती है और यहां पे सीलिया मौजूद होते हैं। यहां जो फनल शेप ओपनिंग होती है यहां पे क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। ये भी ओपनिंग होती है और ये भी ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होती है। जो एंटीरियर की जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं नेफ्रिडोस्टोम कहते हैं, और जो एक्सटीरियर की ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं नेफ्रिडो पोर कहते हैं। दूसरा फर्क हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया में, साथ साथ कंपैरिजन करते जा रहे हैं इसका। प्रोटो ये भी ट्यूबलर था, ये भी ट्यूबलर था, लेकिन इसकी एक ओपनिंग होती है, इसकी क्या होती है, दो ओपनिंग, एंटीरियर भी होती है और एक्सटीरियर भी होती है। अब यहां पे जो फ्लूइड होता है,
यहां इसको हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, सिलोम बॉडी कैविटी होती है, सिलोम, इसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब यहां पे जो सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट कचरा यहां पे मौजूद है, यहां पे कचरा मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट यहां पे मौजूद होता है। अब यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, ये सीलिया बीट करते हैं, जैसे सीलिया बीट करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस मेटानेफ्रिडिया में आ जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट यहां पे आ गया। अब जब वेस्ट प्रोडक्ट मेटानेफ्रिडिया में आ जाता है तो ये जो सिस्टम होता है ये थोड़ा सा एडवांस होता है उसकी निस्बत। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन ये होती है कि यहां पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, यहां पे क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। अब इन ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है? ये तो कचरा मौजूद है इस नाली में, मेटानेफ्रिडिया में जो कचरा जा रहा है, और इस कचरे ने नेफ्रिडोपोर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाना है। लेकिन यहां पे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज, वाटर हो गया, वो मौजूद होते हैं, तो ये दोबारा जो है वो इस ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो सारे का सारा वेस्ट पहुंच जाता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें दोबारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है वो इसकी निस्बत क्या है, एडवांस होता है। अब जो बाकी वेस्ट बच गया वो इस नेफ्रिडोपोर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो मैकेनिज्म इसका कैसे होता है कि इसकी ओपनिंग होती है, यहां पे सीलिया मौजूद होते हैं, यहां पे कचरा मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, वाटर है, सीलिया बीट करते हैं, जब सीलिया बीट करते हैं नेफ्रिडोस्ट्रोम के जरिए कचरा एंटर हो जाता है और ब्लड कैपिलरीज में जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट और नेफ्रिडोपोर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेफ्रिडोस्ट्रोम एंट्री के लिए होती है और नेफ्रिडोपोर होता है वो एक्सक्रीशन के लिए होती है। तो अब हमने यहां से जो प्रोटोनेफ्रिडिया और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा जो है यहां से क्लियर हो जाता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया में क्या फर्क होता है। तो यहां से यह है कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है वो प्लेनेरिया में पाया जाता है और मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है अर्थवर्म में। ये भी ट्यूबलर है और ये भी क्या होता है, ट्यूबलर होता है। लेकिन जो बेसिक इसमें डिफरेंट है वो ये है कि इसमें एक ही ओपनिंग होती है एक्सटीरियर के लिए और इसमें जो हमारे पास क्या होती है, दो ओपनिंग होती है, इंटीरियर के लिए अलग होती है नेफ्रिडोस्ट्रोम और एक्सक्रीशन के लिए क्या होती है, नेफ्रिडोपोर होती है। अब यहां पे एक अक्सर जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ये होती है, बुक के ऊपर जो वर्डिंग है वो लिखी गई है कि ईच जो सेगमेंट होता है उसमें पेयर्ड नेफ्रिडोस, पेयर्ड जो होता है वो मेटानेफ्रिडिया होता है हर सेगमेंट में। एक सेगमेंट है इसमें पेयर्ड, इसमें पेयर्ड। अब यहां पे तो एक मौजूद है, दो तो नहीं है, लेकिन यहां पे दो हैं, एक हमारे पास ये हो गया और एक ये हो गया, अपने तो यहां से हो रहे हैं ना। तो इस वजह से जो हर सेगमेंट होता है उसमें दो जो होते हैं वो मेटानेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की। तो कॉकरोच वाहिद एनिमल होता है जिसमें दो सिस्टम एक साथ पाए जाते हैं, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। वाहिद ऐसा एनिमल है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसके अंदर ब्लड नहीं होता, ब्लड की जगह पे जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। अब दो सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहां से जो है ना वो खाता है, इंटर होता है मुंह के जरिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, मिले हुए होते हैं। अब ये जो गट है इसके अंदर ये एक पाइप है जो खुराक की नाली का एक पाइप है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दे, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये लास्ट ये वाला हिस्सा हो गया, इसको हम कहते हैं फोर गट, फोर गट। और दरमियान वाला जो हो गया इसको हम कहते हैं मिड गट, और इसका लास्ट पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं हाइंड गट कहते हैं इसको। तो तीन इसके पार्ट हो गए, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। अब जो मिड गट है इसमें
ये येलो कलर का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और इस येलो कलर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो होते हैं येलो कलर के हैं, और इसमें हमारे पास तकरीबन जो होते हैं वो 15 से 20 जो होते हैं ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। अब असल जो कमाल होता है इसमें जो एक्सक्रीशन का होता है वो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का होता है। अब यहां जो हीमोलिम्फ है यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, यहां पे कचरा मौजूद है। अब यहां जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड होता है। तो यहां पे यूरिक एसिड मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट है यहां पे मौजूद है। अब यहां जो होता है इस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहां पे, तो इस पोर के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये फिर आ जाता है इस मिड गट में आ जाता है यहां पे। अब इधर से खुराक आ रही है और इधर से क्या आ रहा है वो हमारे पास मिड गट में क्या आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। अब मिड गट में जब आता है तो फिर ये आ जाता है, मिड गट के बाद ये फिर आगे मूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट, ये आ जाता है हाइंड गट में, और हाइंड गट से फिर ये आ जाता है रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें जो वाटर मौजूद होता है ये वाटर दोबारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जो कॉकरोच लाल बेग होता है ये बड़ा चालाक जानवर है। क्योंकि अगर कॉकरोच में से सारा पानी आप अगर निकाल दो तो ये कॉकरोच मर जाएगा। पानी की पहले ही शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से रेक्टम में या ऐसा सिस्टम होता है जो नेचर ने बनाया है कि रेक्टम में दोबारा वाटर यहां पे क्या हो जाता है, वाटर H2O अब्सॉर्ब, री अब्सॉर्ब हो जाता है। तो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस NS के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को अगर देखें तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड होता है। तो जो एनिमल पानी में रहते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया, क्योंकि एक अमोनियोटैलिक उसको हम कहते हैं, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को सेक्रेट करने के लिए 500 मिलीलीटर की वाटर की जरूरत होती है। तो एक बात ध्यान में रख लें कि जो एनिमल कंसेप्ट है, कंसेप्ट ध्यान में बिठा लें आप, कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, फिशेज हो गई। थोड़ा सा खुश्की के ऊपर आ जाए उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यानी अर्थवर्म और प्लेनेरिया दोनों का यूरिया होता है, ह्यूमन का भी यूरिया होता है। ज्यादा खुश्की पर चले जाए, पानी की शॉर्टेज होती है, तो वहां यूरिक एसिड होता है, क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए 1 मिलीलीटर वाटर की जरूरत होती है। तो वो यूरिक एसिड खारिज करते हैं, और यूरिकोटैलिक उनको कहते हैं, और जो थोड़ा सा कम खुश्की वाला होता है वो यूरिया खारिज करते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं, क्योंकि उसको 1 ग्राम खारिज करने के लिए 50 मिलीलीटर, और जो वाटर में रहते हैं वो अमोनिया खारिज करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की जरूरत होती है, और वहां वाटर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये तो आज हमने डिस्कस किया है एक्सक्रीशन ऑफ प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।